किस मूवी की रीमेक है गॉडफादर? किस भाषा में पहले बनी थी गॉडफादर? क्या इस मूवी का बजट होगा पहले मूवी से ज्यादा? फिल्म गॉडफादर की घोषणा अप्रैल 2020 को की गई थी, जिसमें चिरंजीवी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन मोहन राज के द्वारा किया गया है। निर्देशक सुजीत को प्रोजेक्ट संभालने के लिए साइन किया गया था, जिन्होंने तेलुगु अडेप्टेशन के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया था। सुजीत ने क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण सितंबर 2020 में प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का विकल्प चुना और वीवी विनायक को उनकी जगह लेने के लिए संपर्क किया गया। हालांकि दिसंबर 2020 में मोहन राजा के निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई थी, जो 20 साल बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करता है। हनुमान जंक्शन तब उनकी पहली और एकमात्र तेलुगु फिल्म थी। फिल्म को ऑफिशियली जनवरी 2021 में हैदराबाद में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। ये फिल्म संगीतकार एस थामन के साथ चिरंजीवी के पहले कोलैबोरेशन को मार्क करती है। नीरव शाह को सिनेमाटोग्राफर के रूप में साइन किया गया है। इसका प्रोडक्शन जॉइंटली सुपर गुड फिल्म्स और कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। फिल्म के शीर्षक को अगस्त 2021 में गॉडफादर के रूप में अनावरण किया गया था। सितंबर 2021 में नयनतारा, बीजू मेनन और सत्यदेव कंचरन ने फिल्म को साइन करने के लिए बातचीत में प्रवेश किया। नयनतारा और कंचराना को नवंबर में कलाकारों का हिस्सा बनाने की पुष्टि की गई है, जिन्हें एक विवाहित जोड़े के रूप में जोड़ा जाएगा। गंगावा फिल्म में चिरंजीवी की मां की भूमिका में नजर आएंगी। अगस्त 2021 में हिंदी फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था। नवंबर में थामन ने पुष्टि की कि खान एक डांस नंबर में चिरंजीवी के साथ भी दिखाई देंगे। खान कथित तौर पर मूल फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म मलयालम फिल्म लूसीफर की रीमेक है, जो 2019 में रिलीज हुई थी। लूसीफर एक भारतीय मलयालम भाषा की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निर्देशित और मुरली गोपी द्वारा लिखा गया है। लूसीफर लूसीफर फ्रेंचाइजी की पहली किस्त है और इसे 28 मार्च 2019 को जारी किया गया था और उसे तमिल के साथ साथ हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी डब किया गया था। फिल्म ने एक मलयालम फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, 8 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और 21 दिनों में 150 करोड़ का निशान, तीनों मील के पत्थर तक पहुंचने वाली सबसे तेज मलयालम फिल्म बन गई है। जुलाई 2021 तक लूसीफर एकमात्र मलयालम फिल्म है जिसने 200 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जिसमें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसके सैटेलाइट अधिकारों की बिक्री से होने वाली कमाई, डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार और अन्य भाषाओं में टीवी अधिकार शामिल है। ये वर्तमान में पुली मुरुगन को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। सूत्रों के हिसाब से अभी तक फिल्म का एक्चुअल बजट रिवील नहीं किया गया है, पर अनुमान के तौर पर फिल्म का बजट 50 करोड़ से अधिक होगा। गॉडफादर लूसीफर जितनी हिट हो पाएगी या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।